हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हेनरी कैल्वी की तरफ से की गई एक हिसाब से अनाउंसमेंट के बारे में कि वो अब भी DCEU के यूनिवर्स में सुपरमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करना चाहते हैं। तो ये डिटेल्स निकल कर आई कहां से है, चलिए उन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इसके अलावा हेनरी कैल्वी ने MCU के यूनिवर्स में अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए कैप्टन ब्रिटेन की बात की है, जिस पर एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको उसकी अपडेट दे दूंगा, क्योंकि वो टॉपिक अलग है और हेनरी कैल्वी के इस इंटरव्यू में बात किए गए सुपरमैन का ये टॉपिक बिल्कुल अलग, जिसे रिपोर्ट पूरी तरीके से हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने किया है। और इस ब्रीफ इंटरव्यू में हेनरी कैल्वी ने अपने दिल की बात DC वालों से कर दी है, या फिर कहूं फैंस को बताकर कंफर्मेशन दे दी है कि अब भी सुपरमैन का केप उन्हीं के पास क्लोजेट में रखा हुआ है। अब ऐसा उनका कहना है जो बात उनकी मैनेजर डैनी ग्रेसिया ने भी की थी, लेकिन किसी की भी तरफ से ये कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई थी कि हेनरी कैल्वी सुपरमैन का रोल प्ले करना चाहते हैं, और ना ही वार्नर ब्रदर्स की तरफ से उनका मुंह खोला गया, इवन DC के फैंडम में भी नहीं, जिससे मेरी उम्मीद पूरी तरीके से टूट गई थी कि हेनरी कैल्वी के प्रोजेक्ट पर, यानी कि उनके सुपरमैन के प्रोजेक्ट पर किसी तरीके का काम किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें छोड़कर माइकल बी जॉर्डन के बन रहे प्रोजेक्ट पर बात की गई थी, साथ ही साथ JJ अब्राहम के चल रहे सुपरमैन के प्रोजेक्ट पर भी, यानी कि इन्हें लेकर अपडेट निकल कर आए, लेकिन हेनरी कैल्वी के यूनिवर्स के सुपरमैन को लेकर बिल्कुल भी नहीं, जिसके तार अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं जुड़े हुए JJ अब्राहम के साथ हो, क्योंकि जैक स्नाइडर की कंट्रोवर्सी ने उन्हें क्या क्रिस्टोफर नोलन को भी वार्नर ब्रदर्स से हटा दिया है, जिनका मूड अब फिर से वार्नर ब्रदर्स में रिटर्न आने का बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से जैक स्नाइडर के पास नेटफ्लिक्स के ही कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिन्हें वो काफी खुशी खुशी नेटफ्लिक्स के लिए बनाकर उन्हें प्रोवाइड भी करेंगे, यानी जैक स्नाइडर का टच हमें हेनरी कैल्वी के यूनिवर्स के सुपरमैन पर देखने नहीं मिलेगा, अगर इसे लेकर कोई प्रिपरेशन DC वालों की तरफ से की गई है तो, जो कि ऑब्वियसली होगी ही, इसलिए DC वालों की तरफ से भी ऑफिशियली हेनरी कैल्वी के सुपरमैन को रिप्लेस कर दिया गया है, उसकी कोई भी डिटेल रिवील नहीं की गई थी। और कहीं ना कहीं अब बेन अफ्लेक का बैटमैन हेनरी कैल्वी के यूनिवर्स को ही सुपरमैन में रहने की एग्जिस्टेंस दे देता है, जिस पर अब आ जाए हेनरी कैल्वी के उस इंटरव्यू पर। तो उस इंटरव्यू में हेनरी कैल्वी ने अपने कैरेक्टर क्लार्क क्लेंट की जो डिटेल रखी थी, उससे ये बात साबित हो जाती है कि हेनरी कैल्वी अपने कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा समझते हैं, क्योंकि जो किलिंग उस फिल्म के एंड में सुपरमैन ने जनरल जॉर्ड को मारकर की थी, उसका पेन और दर्द वो पूरी तरीके से फील कर सकता है, जिसके बाद से क्लार्क अपने एक फाइनल डिसीजन पर रहता है कि वो इसके बाद कभी किसी को भी नहीं मारेगा। और अब उन्हीं चीजों को बैलेंस करने में, साथ ही साथ एक खून का दाग जो उस पर लगा है, उन सभी को वो किस तरीके से डील करेगा, हेनरी कैल्वी यही चीज अपने फैंस को दिखाना चाहते हैं, जिसमें मेरी भी गिनती होगी, क्योंकि हेनरी कैल्वी की ये डिटेल कमाल की है। और अब उनकी कंफर्मेशन कहीं ना कहीं फैंस को राहत तो देगी ही कि हेनरी कैल्वी की तरफ से ग्रीन लाइट फिर से रिटर्न आने की दे दी गई है। बाकी अब डिपेंड करता है अगेन वार्नर ब्रदर्स पर कि वो हेनरी कैल्वी के मैन ऑफ स्टील के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता भी है या नहीं, या फिर हु नोज, जैसे कि मैंने कहा इस प्रोजेक्ट पर काम चल ही रहा होगा, इसलिए हेनरी कैल्वी ने खुलकर अपने इस कैरेक्टर पर बात की है, जिस पर पहले वो, या फिर कहूँ कई सालों से चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। जिन डिटेल्स और इस थोड़ी सी उम्मीद को लेकर अब आपकी क्या राय है, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।